हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो 7th क्लास में बेटा अपन चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जीवों में श्वसन। ठीक है, और श्वसन के बारे में अपन ने कल डायग्राम बनाया था, मानव श्वसन का या मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाया था। और उसमें अपन ने पढ़ा कि कैसे कैसे जो है श्वसन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। एक यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक चीज़ दे रखी है बेटा कि हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण होते हैं। अवांछित कण मतलब जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होते, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि धूल, धुआं, परागकण आदि। जब हम अंतःश्वसन का मतलब आपको बताया था मैंने, अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है कि वायु को हम नाक के द्वारा क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको अंतःश्वसन बोलते हैं। उच्च श्वसन क्या होता है कि उसी को, मतलब जो वायु होती है जो CO2 को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो वो प्रक्रम क्या होता है, उच्च श्वसन। तो जब अंतःश्वसन करते हैं तो क्या होता है कि वायु में कई अवांछित कण होते हैं। अवांछित कण का मतलब होता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो धूल हो गया, धुआं हो गया, परागकण हो गए, ये सारे विद्यमान होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा या नाक के द्वारा जो है नाक में उपस्थित रोम, रोम यानी क्या होते हैं, बाल होते हैं। नाक में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये कण जो है अंदर चले जाते हैं और नासा गुहा की कोमल परत होती है। नासा गुहा मतलब हो गया नाक से, जब अपन ये नाशिका द्वार जो होते हैं इनसे जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये नाक वाला जो सारा भाग है इसको अपन नासा गुहा बोल रहे हैं। तो नासा गुहा की अंदर की जो परत होती है कोमल होती है, जैसे ही उस पर ये कण जो है उस पर जाके लगते हैं तो हमें क्या होती है, छींक, छींक आती है। तो छींक के द्वारा क्या होता है कि अंदर से जितनी भी वायु होती है वो बाहर आती है, जिसके कारण ये कण जो हैं ये भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अंतःश्वसन करते हैं तो कई अवांछित कण, कई धूल के कण होते हैं जो अंदर चले जाते हैं। वैसे तो बाल जो हैं रोम पाए जाते हैं हमारे नाक में, वो इनको रोक लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कण अंदर चले जाते हैं। और वो किस तरीके से बाहर आते हैं, जैसे ही नासा गुहा की कोमल परत से टकराते हैं तो एक अलग प्रकार की जो है उत्तेजना उसमें आती है। ठीक है, उत्तेजित हो जाती है वो परत, या फिर हाँ वो परत जो है वो क्या होती है, उत्तेजित होकर क्या करती है, छींक का निर्माण करती है, छींक आती है उसकी वजह से। ठीक है, तो सारे जो डस्ट के कण हैं वो बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। इस प्रकार हमें, हम केवल स्वच्छ वायु ही अंदर ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, सावधानी क्या बरतनी है आपको कि जब भी छींक आती है तो नाक पे क्या लगाना है बेटा, नाक पे क्या लगाना है, हमें रुमाल वगैरह आपको जो है वो लगाना है, जिससे क्या हो कि वो डस्ट के कण वगैरह जो है वो अगले कोई सामने हो उसके नाक से जो है अंदर प्रवेश ना करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है। धूम्रपान कैंसर, धूम्रपान से क्या होता है, कैंसर भी होता है, अतः इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए हमें बेटा। धूम्रपान के लिए बोला गया है कि धूम्रपान में जो धुआं होता है वो क्या होता है, सांस के, वायु के द्वारा हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कैंसर का खतरा रहता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, फिर है बेटा इसमें, ये कल मैंने आपको बताया था कि जब अपन अंतःश्वसन करते हैं, अंतःश्वसन करते हैं मतलब वायु अंदर जाती है तो फेफड़ों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो चेस्ट वाला जो अपना ये भाग है ये क्या होता है बेटा, फैलता है। ठीक है, और जब वापस से वायु को अपन बाहर छोड़ते हैं तो जो सीना जो है वो क्या होता है बेटा, सिकुड़ता है। तो ये आप लोग चीज़ें याद रखोगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पसलियां बाहर की तरफ आती है, जब अंदर लेते हैं अपन सांस तो फेफड़े फूलेंगे और पसलियां बाहर की तरफ आती हैं, और जैसे ही वायु बाहर छोड़ते हैं फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने का मतलब हो गया वो पिचक जाते हैं और वायु वहाँ से फेफड़ों से बाहर आती है। ठीक है, तो पसलियाँ नीचे की तरफ चली जाती हैं, वापस सिकुड़ जाती हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा है बेटा, क्या करना है, जैसे फेफड़ों में किस प्रकार की क्रियाविधि होती है, इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है आपको। क्या करना है, प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेनी है। ठीक है, इसके पेंदे को काटकर अलग कर लेना है। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लेनी है, एक नली लेनी है, खुली लेनी है पूरी, है ना, और वाई प्रकार, वाई आकार की होनी चाहिए इस तरीके से। इस प्रकार से, और उस बोतल के जो है अंदर लगानी है आपको। ठीक है, बोतल के अंदर लगानी है इसको,
और क्या करना है, ये वाला भाग जो है वो कहाँ आएगा, बोतल के अंदर आएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये एक बोतल है और इसका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से एक तरफ ये आ जाएगा और यहाँ से ये इस तरीके से आपको जो लगानी है, और इसको आपको नीचे से क्या कर देना है, खुला छोड़ना है इस तरीके से, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या कर देना है, इसको बंद करना है कॉर्क से, और यहाँ पे एक छोटी सी नली लगानी है आपको, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पे गुब्बारे लगाने हैं आपको दो, क्या लगाने हैं, यहाँ पे दो गुब्बारे लगा देने हैं, ठीक है। और क्या करना है, नली के साकित सिरे पर दो गुब्बारे लगा देने हैं। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वायु रुद्ध ना हो, मतलब इसको बिल्कुल जो है सील पैक कर देना है, जिससे क्या हो वायु पास ना हो, रुके निकले ना, ठीक है। फिर क्या कर रखा है, बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए, ठीक है। फेफड़े फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़कर आधार के नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। बेटा यहाँ पे क्या लगानी है, एक रबर की एक परत लगानी है इस तरीके से, ठीक है। एक परत आएगी वो लगानी है आपको। तो इसको क्या करना है कि इसको पकड़ के जब नीचे की तरफ खींचोगे आप, ठीक है, आधार की ओर खींचने पर गुब्बारों को देखिए। इससे इसके बाद रबर की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए, क्या गुब्बारों में क्या परिवर्तन आता है। तो आप जब देखोगे कि अपन इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो वायु अंदर की तरफ आती है बेटा, जैसे ही नीचे खींचोगे ये गुब्बारे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे ही इसको ऊपर छोड़ोगे वापस ये गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। तो ये इसी तरीके का प्रक्रम हमारे फेफड़ों में भी होता है। हम उच्च श्वसन के बाहर क्या निकालते हैं, देखो उच्च श्वसन मैंने आपको बताया था, उच्च श्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन में अपन बाहर क्या निकालते हैं। तो उच्च श्वसन जब ये प्रक्रम होता है तो इसमें अनेक प्रकार की जो गैसेज अंदर गई थी फेफड़ों में, और CO2 जो अपन कोशिकाओं से बनकर बाहर आ रही है वो भी अपन इसमें बाहर छोड़ते हैं। तो देखो क्या क्या अपन इसमें बाहर छोड़ते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो श्वसित वायु, और एक होती है उच्च श्वसित वायु, ठीक है। अंतः श्वसित वायु में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, 16.4% ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% होती है, और यहाँ पे आएगी 4.4%। मतलब अपन समझ सकते हैं कि अंतः श्वसन में ऑक्सीजन जो है वो 21% अपन लेते हैं, लेकिन बाहर वापस कितनी आती है, मतलब वहाँ रहती कितनी है, 14.4% ही बच पाती है, वापस आती है तब। मतलब कुछ वायु कुछ ऑक्सीजन जो है अपन ने ले लिए यहाँ से, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब अपन ने ली थी वो 0.04% थी, लेकिन वापस जब अपन छोड़ रहे हैं उसको तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 4.4%। मतलब कुछ ऐसा प्रक्रम हो रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रही है शरीर में, तो इस तरीके से पता लगता है, ये सारा प्रक्रम होता है। और इसके बारे में कल और बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।